Please. Sure. Must have been some boy in a field behind your house. Again! You must inure yourself to what you find repellent. Think of her face. Remember her smell. Sweet, sentimental, maintaining control. If you was a boy, so you would not have to give yourself. Won't always be that easy. मूवी के स्टार्टिंग होती है एक बेली डांसर जिसका नाम डोमिनिका है। मूवी के मेन लीड करेक्टर है जहां उसे कंपनी की तरफ से कन्वीनियंस भी मिलता है जहां पर वो और उसकी माँ एक साथ रहते हैं। डोमिनिका एक फेमस वेल बेली डांसर है। एक दिन डांस परफॉर्मेंस के दौरान एक्सीडेंटली वो गिर जाती है जिसमें उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। कुछ समय बाद वो ठीक भी हो जाती है लेकिन अब वो लाइफ में कभी भी डांस नहीं कर सकती थी। अब डोमिनिका टेंशन में आ जाती है कि अब वो कैसे सरवाइव करेगी और उसकी माँ भी बीमार रहती है। तभी एक दिन उसका अंकल जिसका नाम इवान होता है वो उससे मिलने उसके घर आता है जो कि SBI में डिप्टी डायरेक्टर है जो कि एक रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी है। इवान उसे अपने साथ काम करने के लिए ऑफर करता है और साथ ही एक एनवलप भी देता है जिससे कि डोमिनिका उसे मना करे, उससे पहले वो उस एनवलप को देख ले। तब डोमिनिका उसे मना करती है लेकिन वो कहता है पहले ये देखो और इतना कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। तब डोमिनिका उस एनवलप को खोल करके देखती है तो उसे उसमें कुछ फोटोज़ और एक फ़ोन मिलता है। जब वो फ़ोन चेक करती है तो उसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स होती है। उसे सुनने और देखने के बाद में डोमिनिका को पता चलता है कि उसका उस दिन वो एक्सीडेंट हुआ नहीं था, एक्चुअली वो एक्सीडेंट कराया गया था जो कि ऑलरेडी प्लान था। डोमिनिका के डांस ग्रुप में एक सोनिया नाम की लड़की है जो कि ये सब उसी का प्री प्लान था क्योंकि वो डोमिनिका से चलती थी। इतना पता चलने के बाद डोमिनिका खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती और वो जाकर उन दोनों को मार डालती है और घर आ जाती है। लेकिन उसे कुछ देर बाद एहसास होने लगता है कि ये उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर इसका पुलिस को पता चला तो उसे डेफिनेटली सजा हो जाएगी। तब हम देखते हैं कि अगले दिन वो अपने अंकल इवान से जाकर के मिलती है और उनसे उस जॉब का पूछती है जहाँ पर इवान उसे बताता है बहुत छोटा सा काम है। एक रशियन एजेंट है जिसका नाम डेमित्री है। डोमिनिका डेमित्री को बहुत अच्छे से जानती थी क्योंकि इवान ने ही डांस परफॉर्मेंस के दौरान उससे उसे मिलवाया था और उस दिन डेमित्री ने उसे गलत इरादों से यहाँ वहाँ टच भी किया था। लेकिन डोमिनिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसीलिए वो रेडी हो जाती है। नेक्स्ट डे डोमिनिका डेमित्री से मिलने होटल जाती है जहाँ उसे खुद को प्रेजेंटेबली रेडी रहने का कहा जाता है, जहाँ वो डेमित्री से मिलकर उसे होटल के एक रूम में लेकर जाती है। जहाँ पर डेमित्री उसके साथ जबरदस्ती करता है, जहाँ वो खुद को बचाने की बहुत कोशिश भी करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ एक आदमी आता है और डेमित्री को मार देता है, जिसे देख डोमिनिका डर जाती है और वो डोमिनिका को अपने साथ लेकर के चला जाता है, जहाँ वो इवान से मिलती है और तब वो अपने अंकल पर बहुत गुस्सा करती है और वो उसे कहती है कि तुमको सब पता था और तुमने मुझे वहाँ भेजा, तुमने ऐसा क्यों किया? तब इवान उसे कहता है अब तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो रशियन इंटेलिजेंसी को ज्वाइन करो नहीं तो तुमको माना होगा क्योंकि तुम अभी हमारे लिए खतरा बन चुकी हो और तुम एक विटनेस भी बन चुकी हो, इसलिए अब वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। तब डोमिनिका SVR ज्वाइन करने का प्लान करती है जिसके लिए उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल भेजा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मॉस्को में एक एजेंट जो कि CIA का एजेंट है जो कि US का है, नेट को दिखाया जाता है जो कि एक गोर्की पार्क में अपने एसेट से मिलने आया है जिससे उसे कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, जो एसेट रशियन इंटेलिजेंसी का हाई रैंक्ड ऑफिसर है जो कि सिर्फ नेट ही उसको जानता है, जिसका कोड नाम मार्बल है और वो रशियन इंटेलिजेंस का एक मोल है जिसे काफ़ी दिनों से रशियन गवर्नमेंट ऑफिसर भी ढूंढ रहे हैं, मीन्स वो वांटेड है। तभी मार्बल नेट को कुछ पेपर्स देता है, तभी उन्हें पुलिस की गाड़ी
खुद की तरफ आते हुए दिखती है, जिस पर नेट एयर फायरिंग करता है जिससे कि मार्बल को बचा सके, और मार्बल तो बचकर निकल जाता है, लेकिन उस दौरान नेट वहां पर फंस जाता है और पुलिस उसे अरेस्ट कर करके अपने साथ में ले जाती है। वो एक अमेरिकन CIA है, रशिया में ओपनली शूट कर रहा है, जो कि रशिया में ये सब परमिटेड नहीं है, इसीलिए उसे अब रशिया छोड़ना होगा। तब एम्बेसी उसे वापस USA जाने का बोलती है। तब नेट बताता है कि वो यहाँ पर 3 सालों से मार्बल के साथ है और वो उसके साथ में काम भी करता है। अगर वो यहाँ से चला जाएगा तो उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तब एम्बेसी उसे रशिया से बाहर बुडापेस्ट भेजती है, जिससे कि वो मार्बल के साथ टच में भी रह सकता है। वहीं पर डोमिनिका को दिखाया जाता है, जो कि एक स्पैरो स्कूल में ट्रेनिंग के लिए आई है। यहाँ स्पाई को ही स्पैरो कहा जाता है। यहाँ पर मोस्टली स्टूडेंट अपनी खुद की चॉइस से आते हैं, मीन्स खुशी से आते हैं। This man is a diplomat at the Dutch embassy with access to NATO military planning. Several nights a week he hires girls, runaways, addicts. लेकिन डोमिनिका को यहाँ पर ज़बरदस्ती भेजा गया था। यहाँ पर सबको तरह तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस बात पर जोर दिया जाता है कि कैसे अपने टारगेट को सेक्सुअली मैनिपुलेट करके उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। Here he is. So be a boy. On your knees. Sure. Must have been some boy in a field behind your house. Again. You must inure yourself to what you find repellent. चूंकि एक तरह की ट्रेनिंग ही थी और इस लेवल तक कुछ ही काउंटेबल स्टूडेंट पहुंच पाते हैं। डोमिनिका का ट्रेनिंग परफॉर्मेंस जो कि बहुत ही ख़राब होता है, जिसे देख ट्रेनर को लगता है कि वो इस लेवल तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन वो वहां तक पहुंच जाती है। Sweet, sentimental, maintaining control. I was a boy, so you would not have to give yourself. Won't always be that easy. उसकी इस सक्सेस को देख जनरल व्लादिमीर खुद उससे मिलकर उसे वहां पर कॉन्ग्रेट्स करते हैं, जो कि इवान के साथ काफ़ी पहले से डोमिनिका पर नज़र रखे हुए थे। अब वो देखता है कि डोमिनिका रेडी है, तो वो उसे एक मिशन पर भेजते हैं, और मिशन था नेट, क्योंकि स्पार्क के इंसिडेंट के बाद रशियन इंटेलिजेंसी नेट को सस्पेक्ट करने लगा था, क्योंकि उन्होंने CCTV फुटेज में देखा था कि उस रात गोर्की पार्क में नेट एक आदमी से मिला था, जिसे देख व्लादिमीर को लगता है कि वो आदमी मार्बल है, डेफिनेटली नेट उसके साथ मिला है। तब व्लादिमीर और इवान मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि नेट के अगेंस्ट एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जाएगा, जिसे डोमिनिका लीड करेगी। नेक्स्ट डे ही डोमिनिका को बुडापेस्ट भेज दिया जाता है। उसका वहां पर नाम बदल करके कैटरीना रखा जाता है, जहां पर उसे एक लड़की मार्ता के साथ में अपना रूम शेयर करना है, जो कि मार्ता भी एक स्पैरो थी, वो भी मिशन पर ही है। फर्स्ट डे ही मार्ता डोमिनिका को क्लियर कर देती है कि कोई भी किसी की प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि प्राइवेसी मेंटेन करना मैंडेटरी है। डोमिनिका एक्सेप्ट करती है। तब डोमिनिका नेट को फॉलो करना स्टार्ट कर देती है। वो नोटिस करती है कि नेट हर रोज स्विमिंग पूल में जाता है। तब डोमिनिका वहाँ जाती है और क्लब ज्वाइन कर लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो फॉर्म फिल करते समय अपना रियल नेम मेंशन करती है, डोमिनिका, लेकिन नेट उसे फर्स्ट डे से ही नोटिस करने लगा था, मतलब डोमिनिका का प्लान सक्सेस हो गया था। तब नेट उसे बात करने उसके पास जाता है, लेकिन वहाँ पर वो उसे अवॉइड करके चली जाती है। नेक्स्ट डे डोमिनिका वापस क्लब जाती है, लेकिन उसकी एंट्री ID मिसिंग थी, जो नेट के पास थी, जो कि नेट को पता चल गया था कि वो एक रशियन स्पाई एजेंट है और वो एक मिशन पर भी है, जो कि डेफिनेटली मार्बल को लेकर ही है। तब वो दोनों एक दूसरे को फॉलो करने लगते हैं। नेक्स्ट डे वो दोनों एम्बेसी में मिलते हैं, जहां उनके बीच फ्रेंडशिप हो जाती है, जो कि एक पार्टी चल रही थी। वहां पर डोमिनिका को मार्ता नज़र आती है, जो कि स्टेफनी के साथ खड़ी थी, जो कि स्टेफनी एक बर्शर सेनेटर चीफ ऑफ स्टाफ की थी। मौका देख डोमिनिका वहां से निकल जाती है और घर पहुंचती है, जहां पर वो मार्ता के रूम को सर्च करती है, जहां उसे एक एनवलप मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि स्टेफनी का कोड नेम स्वान है, जो कि $2,500 के बदले वो मार्ता को कुछ इन्फॉर्मेशन पास आउट करने वाली है। उसी रात डोमिनिका
नेट से मिलती है उसके घर जहाँ पर वो ड्रिंक करते हैं और उसी रात वो दोनों इंटीमेट भी होते हैं। जहाँ से लौटते समय डोमिनिका अपने साथ में नेट का एक वाइन ग्लास साथ ले आती है जिस पर नेट का फिंगरप्रिंट था। तभी ईवान डोमिनिका से मिलने आता है। वो उसकी प्रोग्रेस से खुश नहीं है जो कि बहुत स्लो थी। तब डोमिनिका ईवान को बताती है कि वो मार्था के साथ मिलकर स्वान को मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो इसमें बिजी थी इसीलिए नेट से इन्फॉर्मेशन निकालने में उसे थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन हमको मिशन के लिए $2,050 और चाहिए। ईवान रेडी हो जाता है। नेक्स्ट डे डोमिनिका वेना जाकर एक बैंक अकाउंट ओपन करती है। जब घर लौटती है तो वो शॉक्ड हो जाती है कि मार्था का किसी ने मर्डर कर दिया था जो कि ईवान ने ही किया था। और डोमिनिका को भी वार्न किया जाता है कि किसी के साथ भी अपने सीक्रेट शेयर ना करना भूलकर भी। तुम्हारी जरा सी गलती और तुम्हारी मौत है। अगली बारी तुम्हारी मार्था की जगह तुम भी हो सकती हो। वहीं मार्बल वेना से नेट को इन्फॉर्म करता है कि डोमिनिका एक स्पैरो है जो कि हमारे लिए खतरा हो सकती है। तब नेट डोमिनिका से मिलता है और वो उसे CIA एम्बेसी के लिए ऑफर देता है। तो डोमिनिका रेडी हो जाती है। सो अब डोमिनिका एक डबल एजेंट बन जाती है जिस पर वो नेट से $30,000 वेना के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का बोलती है। नेक्स्ट डे डोमिनिका $2,050 के साथ में स्वान से मिलने जाती है जहाँ स्वान उसे कुछ इन्फॉर्मेशन की रिस्क देती है। जहाँ डोमिनिका स्मार्टली उसे चेंज कर देती है, रियल कॉपी वो होटल में छोड़ जाती है और फेक को लेकर जाती है जिसे नेट ले जाता है रियल कॉपी को। अब रशियन इंटेलिजेंट को डोमिनिका पर शक होने लगा है कि शायद वो अमेरिकन से मिली है, जिसके लिए उसे मास्को बुलाया जाता है जहाँ नेट उसे फॉलो करता है। लेकिन डोमिनिका उसे देख लेती है और उसे वापस जाने का बोलती है। मास्को में डोमिनिका को टॉर्चर किया जाता है। Did you tell the Americans about Boucher? No. 결국 끝까지 결백을 주장하는 도미니카. Last time. Did you give Boucher to the Americans? Oh. लेकिन इसके बावजूद वो अपना मुंह नहीं खोलती। तभी ईवान उससे मिलने आता है और वो कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। एक्चुअली उस दिन स्वान जब होटल से निकली थी तो उसे लगा कि USCIA उसे फॉलो कर रहे हैं। इसी डर की वजह से वो एक गाड़ी से टकरा जाती है और मर जाती है। लेकिन रशियन को लगता है कि शायद डोमिनिका ने US के साथ मिलकर स्वान को मारा है। तब ईवान डोमिनिका की बातों में आ जाता है। वो कहती है कि वो नेट के बहुत करीब है। वो उसे उस मार्बल के बारे में अब जल्दी से जल्दी जानकारी ले सकती है। तब डोमिनिका को वापस बुडापेस्ट भेजा जाता है जहां नेट से मिल वो उसे सब बताती है। तब वो नेट से $2,050 और रहने के लिए एक घर का बोलती है, जिसके लिए नेट रेडी हो जाता है क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हो गया था। So what next? I want to go to America. All right. And my mother. It'll take some time, but we can't get around, yeah. If I hadn't waved you off at the airport, what would you have done? I would have killed him for you. वहीं वहां पर व्लादिमीर और ईवान को डोमिनिका पर डाउट था। तब वो एक बंदे को नेट के पास भेजते हैं। जब नेट सो रहा था वो बंदा वहां आकर नेट को टॉर्चर करता है जहां डोमिनिका भी उसके साथ होती है और उस दौरान वो उस बंदे को सपोर्ट कर नेट को टॉर्चर करती है। You know what this is? They use it for skin grafting. Do you know how long it takes to peel the skin from a human being? What's the name, Nate? What's the name? No? Give it to me. Let me try.
नेट को टॉर्चर करती है और मौका मिलते ही वो उस बंदे को भी मार देती है। लेकिन उस दौरान नेट और डोमिनिका दोनों पूरी तरह से घायल हो चुके थे। तब नेट अमेरिकन एम्बेसी को कॉल करने का बोलता है, जिससे कि एम्बेसी उन्हें हॉस्पिटलाइज करते हैं, जहां व्लादिमीर डोमिनिका से मिलने आता है, जिसे देख डोमिनिका घबरा जाती है। लेकिन जब व्लादिमीर उससे बात करते हैं तो वो उसकी बातें सुन शॉक्ड हो जाती है। वो बताते हैं कि मार्वल जिसे तुम ढूंढ रही हो वो मैं ही हूँ, वो भी एक देशभक्त और देश के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। लेकिन जब उनकी वाइफ बीमार हुई तो एक अमेरिकन डॉक्टर को मेरी वाइफ को ट्रीटमेंट करने से रोक दिया गया, जिसके चलते वो तड़प तड़प कर मेरी आंखों के सामने मर गई। इसके बाद से ही मैंने नेट का साथ काम करना स्टार्ट किया। और कहते हैं, अगर तुम ये इन्फॉर्मेशन रशियन इंटेलिजेंस को दोगी तो तुम एक हीरो बन जाओगी और तुम पर किसी को कोई भी शक भी नहीं होगा। अब तुमको सोचना है कि तुमको आगे क्या करना है, एक देशभक्त बनना है जो कि फेक, या फिर एक ग्रेट स्पाई बनना है। जी तुम डिसाइड करो। You have the power to decide whether or not I die in vain. This is the only way for you to return to your mother. नेक्स्ट डे हम देखते हैं डोमिनिका प्रेसिडेंट को कॉल कर मार्बल का नाम बताती है। तब डिसाइड किया जाता है कि USCIA की साइट्स उसे मास्को वापस जाने दें, जिसके बदले उन्हें मार्बल मिलेगा। ये सब जान नेट गुस्सा करता है। उसने ये सब कभी नहीं सोचा था कि वो उसे चीट करेगी, क्योंकि नेट को लग रहा था कि वो चीट कर रही है। You realize you might have just got him killed. You think they're just gonna let him make it across alive? Some things can't be sacrificed. We don't throw people away. I think one day you'll understand. No, I don't think I will. Show us his face! लेकिन जब मार्बल सामने आता है, जिसे देख नेट हैरान रह जाता है, जो कि डोमिनिका ने प्रेसिडेंट को मार्बल का नाम ईवान बताया। What the hell is going on? She fucked them. By name. She called from Budapest. Gave us the name of the... जिसके अगेंस्ट उसने एविडेंस भी कलेक्ट किए थे, जो कि नेट के घर से वाइन का ग्लास उसे ईवान के घर रखा था, जो कि प्रूफ था, फिंगरप्रिंट थे नेट के, जो कि ईवान से मिलने उसके घर जाता था, और वियना का बैंक अकाउंट ईवान के नाम, जिसमें US एम्बेसी की तरफ से मनी ट्रांसफर किया जाता था, और जो डिस्क ईवान को दी थी वो खाली थी और रियल डिस्क नेट के पास थी। इतने एविडेंस मिलने और देखने के बाद प्रेसिडेंट को पूरी तरह से यकीन हो जाता है और ईवान को उसी जगह शूट कर दिया जाता है। Didn't I do well, uncle? You killed me. है, क्योंकि वो उसे ऐसे नहीं रख सकते थे, ना ही छोड़ सकते थे। और डोमिनिका वापस घर अपनी माँ के पास आ जाती है। अब मार्बल की तरह वो भी अब US के लिए एज इनफॉर्मर एजेंट काम करेगी, जो कि वो कभी भी स्पाई नहीं बनना चाहती थी। लेकिन उसके अंकल ईवान ने उसे फंसा कर ब्लैकमेल कर मजबूर कर दिया था। लेकिन अब वो उस सबसे आ जाती और वो खुश थी, और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।